चलो पहले तो थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, से योगिक जोगिंग के दो अभ्यास भी कर लें, पहले वाला और फिर ये वाला, ऐसे तो पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है। वैसे 12 के 12 अभ्यास भी कर लेते हैं तो 2 मिनट लगते हैं सारे अभ्यासों को, थोड़ा थोड़ा दोहराते हैं तो। मैंने सबको टास्क दिया हुआ है कि प्रतिदिन 5 मिनट सूर्य नमस्कार और कम से कम 100 दंड और 100 बैठक, ये सबके लिए, और जो बड़े हो गए उनके लिए 500 500 का। कितना भाई? 500 बार। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ऐसे 500 500 बार होता जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा तो सभी कर सकते हैं ना, इतना इतना ये तो। और आप पूरे बैठो, हाँ आपके लिए तो पूरा वाला है, हाथ सामने करो ऐसे, हाँ ऐसे, फिर उठो ऐसे, हाँ फिर चलो एक भजन सुना देते हैं। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो, क्या कर सकते नहीं कि तुमको यदि अपनी पहचान हो। हमेशा ये याद रखना है कि तुम किसकी संतान हो, ऋषि ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की संतान है। हम ईश्वर की संतान है मूलतः, हम मूलतः धरती माता की संतान, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशज हैं। और हमारा जीवन कैसा हो तो अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं जैसा हो, और उसके लिए अपने पूर्वजों की भांति हमें ज्ञानी बनना है, विद्वान बनना है अपने पूर्वजों की भांति। तो ये तीव्रता पूर्वक योगिक जोगिंग के भी 12 अभ्यास ऐसे 2 मिनट में हो जाते हैं, जब जल्दी जल्दी करते हैं तो लंबे लंबे श्वासों के साथ एक नियम बना लिया कि प्रतिदिन 5 मिनट सूर्य नमस्कार करना है। और 100 100 बार दंड बैठक के अभ्यास, यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो, अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो, क्या कर सकते नहीं कि तुमको, क्या कर सकते नहीं कि तुमको यदि अपनी पहचान हो। यूं घबराओ, अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो, क्यों घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों।